Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here is a book and the name is Grammar Glitter Odyssey and this is book 2. So today we will start chapter number 19 and the name of the chapter is Prepositions. So do you know what are prepositions? So these are the words that tell about the position of noun. So, preposition is a word that joins nouns or verbs to their other words in the sentences. ये क्या है? ये ऐसे words हैं जो noun या फिर verb को join करते हैं दूसरे word से एक sentence में. Examples are here. You can see the first picture. यहाँ पे एक sheep है जो क्या कर रही है? घास खा रही है. So, the sheep is grazing in the field. Field में जो शीप है वो खड़ी होके ग्रास खा रही है. नेक्स्ट द डॉग इज अंडर द कॉट. डॉग कहाँ है? कॉट के नीचे है. नेक्स्ट द काउ इज जंपिंग ओवर द मून. काउ क्या कर रही है? मून के ओवर मींस ऊपर जंप कर रही है. इज इट पॉसिबल? क्या काउ जो है मून के ऊपर जंप कर सकती है? नो, बट The cow is jumping over the moon. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़े? तीन words पढ़े. पहला था in, दूसरा है under और third है over. अब इन तीनों का क्या मतलब है? In means किसी चीज के अंदर. For example, children, here you can see I have this cup with me. So ये cup है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास एक pen है. अब मैंने क्या किया? इस pen को डाला cup के अंदर. So, the pen is in the cup. तो क्या मेरे हाथ में पेन है? No. पेन कहाँ है? कप के अंदर. So, this pen is in the cup. कप के अंदर है. So, in means अंदर. Next is, the dog is under the cot. Under means किसी चीज के नीचे. For example, ये कप है और ये पेन है. तो पेन कहाँ है? कप के नीचे, means under the cup. Similarly, the cow is jumping over the moon. Over means ऊपर. So, यहाँ पे ये कप और ये पेन. पेन कहाँ है? Over the cup. Over means ऊपर. कप को टच नहीं किया है पेन ने. तो over means ऊपर, but it should not touch the object. So over means ऊपर. Next is the cup is on the table. Cup कहाँ है? Table पे है. तो on means ऊपर. अभी हमने पढ़ा था over. Over मतलब भी ऊपर. यहाँ पे on, on का मतलब भी ऊपर. But over means object को वो चीज टच नहीं करेगी. लेकिन ऑन में दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो अब मैंने ये पेन रख दिया है कप के ऊपर. ऑन द कप. तो ये था ओवर और ये है ऑन. ऑन मींस दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द रैबिट इज बिहाइंड द बुश. रैबिट कहाँ है? बुश मींस झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है. तो बिहाइंड मीन्स पीछे. सिमिलरली दिस कप एंड दिस इज द पेन. अब पेन कहाँ है? बिहाइंड द कप. आपको क्या ये पेन दिख रहा है सामने? नो. तो बिहाइंड मीन्स पीछे, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे. नेक्स्ट इज द मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर. तो मैन कहाँ खड़ा है? डोर के सामने. जैसे मैं आपके स्क्रीन के सामने खड़ी हूँ. ये कप है और ये पेन है. तो ये पेन कप के सामने है. सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने. नेक्स्ट इज द बॉय इज जंपिंग इन टू द रिवर. बॉय क्या कर रहा है? पहले वो यहाँ खड़ा था लेकिन अब वो स्विमिंग करने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करके वाटर में कूद रहा है.
तो इनटू हम कब यूज करते हैं, इनटू का मतलब भी होता है अंदर, लेकिन पोजीशन को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, जैसे ओवर के केस में किया था हमने। तो इनटू मींस लैंड से वाटर में कूदना। तो दिस इज पेन एंड कप। अब मैंने क्या किया, पेन को कप में छोड़ दिया। सो क्या हो गया, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया और ये कप में चला गया। सो आई हैव पुट दिस पेन इनटू द कप। सिमिलरली द बॉय इज जंपिंग इनटू द रिवर। नेक्स्ट इज द रैट इज बिटवीन द कैट एंड द डॉग। रैट कहाँ है, कैट और डॉग के बीच में। तो कोई भी चीज, बिटवीन का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच में, अगर हम कोई तीसरा ऑब्जेक्ट रख देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड बिटवीन। तो पेन कहाँ है, मैंने दोनों हाथों के बीच में। सो बिटवीन मीन्स बीच में। प्रीपोजिशन शो द पोजिशन ऑफ पीपल एनिमल्स एंड थिंग। प्रीपोजिशन क्या बताते हैं, पोजिशन बताते हैं किसकी, लोगों की, एनिमल्स की और थिंग्स की। नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। ए, अंडरलाइन प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। सो हियर द फर्स्ट वन इज राज स्टूड ऑन द बेंच। तो बेंच था, बेंच के ऊपर खड़ा हो गया राज, तो ऑन। नेक्स्ट डक्स वैडल ऑन द रोड। डक्स क्या कर रही हैं, चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं, रोड पे चल रही हैं, तो ऑन। वी वॉक अलोंग द रिवर। अलोंग मीन्स रिवर के किनारे, तो हम चल रहे हैं रिवर, जहां जहां जा रही है उसके किनारे किनारे हम जा रहे हैं। तो अलोंग मीन्स किनारे, सो अलोंग इज द प्रीपोजिशन। She was standing beside princess. Beside means किसी चीज के साइड में, तो ये पेन है मेरे साइड में। So beside means किसी चीज के साइड में, जैसे आपका जो पार्टनर स्कूल में बैठता है, आपके जो क्लासमेट हैं, तो टीचर क्या करती है, एक सीट पे दो बच्चों को बैठाती है या तीन को बैठाती है। तो आपका जो पार्टनर है वो क्या है, आपके जस्ट साइड में बैठता है। तो beside is the preposition here. The sun is almost over our head. Sun कहाँ है, हमारे सर के ऊपर। क्या हमारे सर को टच कर रहा है, नो, हमारे सर के ऊपर है, सो ओवर। द कीज आर ऑन द टेबल। कीज कहाँ है, टेबल पे है, ऑन द टेबल। दिस इज अ लेटर फ्रॉम माई अंकल। तो ये लेटर किसने दिया है, मेरे अंकल ने। तो यहाँ पे From is the preposition. Their house is in Patel Nagar. उनका घर कहाँ पे है, पटेल नगर में है, तो in Patel Nagar. So in is the preposition here. Ninth one, the chair is between the table and the blackboard. तो एक table है और blackboard है, दोनों ही के बीच में क्या है, chair. तो यहाँ पे बिटवीन क्या हो गया, हमारा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, हीना वॉज स्टैंडिंग ऑन द बेंच। तो हीना कहाँ खड़ी है, बेंच पे खड़ी है, सो अगेन ऑन इज द प्रेपोजिशन हियर। आई होप चिल्ड्रेन यू अंडरस्टूड। नाउ चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज। हियर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। सो द फर्स्ट वन इज द कैट इज सिटिंग Under the chair. तो cat कहाँ बैठी है, chair के नीचे। The man is inside the car. Man कहाँ है, car के अंदर। The train travelled on the tracks. Train कहाँ चल रही है, tracks पे चल रही है। The fish is in the aquarium. Fish कहाँ है, aquarium में। The watch is Above the table. तो टेबल रखी है और उसके ऊपर क्या है, वॉच। The butterfly is hovering over the flowers.
तो बटरफ्लाई क्या कर रही है, फ्लास्क के ऊपर घूम रही है. द मैन इज स्लीपिंग नियर द ट्री. जो मैन है वो कहाँ सो रहा है, पेड़ के पास सो रहा है. द ट्री इज बिटवीन द हट्स. ट्री कहाँ है, दो हट हैं उसके बीच में है. सो बिटवीन द हट्स. सो दीज आर द आंसर चिल्ड्रन. आई होप इट्स क्लियर. Now let's move on to C exercise. What we have to do here, we have to follow the instructions and draw the picture. Color the scene beautifully. So what we have to do here, first one is draw a sun on the top. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक sun बनाना है. कहाँ पे, सबसे ऊपर, on the top, ऊपर. So this is our sun. Next, draw mountains under the sun. Sun के नीचे बनाने हैं हमें mountains under the sun. Draw a small hut beside the tree. तो एक tree बनानी है और उसके side में beside एक hut बनाना है. Draw two ducks swimming in the pond. अब यहाँ पे एक pond बनाना है और उसमें क्या कर रही हैं, दो ducks हैं जो swim कर रही हैं. So let's draw the ducks. So you draw it neatly. So two ducks are swimming in the pond. तो pond में ducks swim कर रही हैं. So you have to draw all these beautifully and you have to color the scene. So with this children, we have completed the chapter prepositions. I hope you understood what are prepositions, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.